पीएचडी अभी मेरी चल रही है। अच्छा, अभी आप पीएचडी कर रही हैं? जी। किस सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में। आपके मन में इच्छा थी कि भाई मैं सरपंच बनूं, या ये था कि भाई ससुराल वालों की इच्छा थी कि भाई आप सरपंच बने यहाँ पे? तो होममेकर तो आज भी हूँ, सरपंच हूँ, लेकिन होममेकर भी हूँ। पहले भी घर संभालती थी, परिवार की जिम्मेदारियाँ वो सब। परिवार से डिस्कस किया होगा कि मेरे को सरपंच के लिए खड़ा होना है, तब क्या रिएक्शन था फैमिली? अगर आप ऐसे बंदे को चुनोगे जो गुंडागर्दी करेगा तो वो गाँव का विकास कैसे करेगा? हॉकी वाली सरपंच, ये हॉकी वाली सरपंच के पीछे क्या कहानी? जीती थी 6,80,000। 6,80,000 जी। एक मैम, ये केबीसी के दौरान अमिताभ बच्चन एक सवाल पूछते हैं पब्लिक से कि भाई आपने किस किस प्रकार के बैंकों के बारे में सुना है, शायद ऐसा ही कुछ वो सवाल था जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, तो वो बैंक का क्या सिस्टम था? देखो, वो बैंक का ये है कि हमारे गांव के अंदर या शहरों में भी अब हम देखते हैं कि जो सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर यूज़ होता है, और गाँव के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया वो। तो ये इस चीज़ को लेकर के मैंने जो है अपनी पंचायत के अंदर एक छोटा सा प्रयास किया, एक बर्तन बैंक हमने अपनी पंचायत में खोला, ताकि हम जो प्लास्टिक इतनी, क्योंकि गोवंश को भी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम ऐसे ही डाल देते हैं खेतों में, उड़ता फिरता है कहीं पर भी, तो गाय गो माता है वो भी अगर खा लेती है तो मौत तक हो जाती है, मतलब ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं खुद। तो उसको लेकर के फिर मैंने एक छोटा सा प्रयास ये किया कि अपनी पंचायत के अंदर एक बर्तन बैंक खोला, ताकि लोगों को मोटिवेट किया कि आप जो हम जो डिस्पोजल ग्लास प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं ये यूज़ ना करके हम वो बर्तन जो हमारे बर्तन बैंक से हैं वो बर्तन यूज़ करें, ताकि अगर हम देखिए कोई भी चीज़ का, मैं हमेशा कहती हूँ कि बदलाव जो है वो बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत तुरंत नहीं होता, पीढ़ियाँ लग जाती हैं चीज़ों को बदलने के अंदर, लेकिन हम छोटे छोटे प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम अपने एक छोटे से प्रयास से, अगर हमने ये हम ये सोचते हैं कि अगर हमने 100 किलो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने से अगर बचाया है, तो मैं मानती हूँ पर्यावरण के क्षेत्र में हमने अपना छोटा सा एक योगदान दिया है। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने अपनी पंचायत में एक बर्तन बैंक की स्थापना की है। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक को, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अवेयरनेस तब आएगी तब हम उन लोगों को कुछ कोई अल्टरनेट देंगे कि भाई आपके पास कुछ कोई ऑप्शन तो हो कि अभी हम यूज ना करते, इसके सामने हम क्या चीज़, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो एक छोटा सा अल्टरनेट मैंने एक बर्तन बैंक के माध्यम से अपनी पंचायत के लोगों के सामने रखा, और लोगों को मोटिवेट किया कि हम प्लास्टिक वेस्ट को कम जनरेट होने जो होता है उसको कम करें, और पर्यावरण के क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। अच्छा, ये जो बर्तन है ये सारे स्टील के हैं? हाँ, स्टील के बर्तन हैं ये। तो ये जैसे इस्तेमाल कहाँ होते हैं, गांव में कोई शादी पार्टी के दौरान? हाँ, या शादी पार्टी कोई, जैसे कोई बान का प्रोग्राम है या कोई सगाई का कोई प्रोग्राम है, तो उसके अंदर हम लोग उसमें हम यूज़ ना करके हम ये स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं। वो आपके यहाँ से वो बर्तन ले सकते हैं? हाँ, वो बर्तन हमारे यहाँ से ले सकते हैं, और जैसे गिन के लेके जाते हैं तो गिन के ही वापस दे के जाने होते हैं, और अपनी इच्छा से कोई भी जो जैसे कोई 5 थाली या कटोरियाँ अपनी तरफ से देना चाहे उस बैंक में ऐड करके देना चाहे तो वो अपनी खुशी से दे भी सकता है। और अगर कोई बर्तन खो जाए फिर उसका? अगर वो कोई बर्तन खो जाता है तो वो अपनी तरफ से उसमें देख के जाता है। अच्छा, वो खरीद के वही बर्तन? हाँ, वही बर्तन, बिल्कुल। वरना ऐसे तो घूम करेंगे तो वो बर्तन बैंक तो हमारा खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो फिर लोगों की क्या है, जब लोग लेके जाते हैं तो उनकी फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। देखिए कि पहले की बात अगर हम करें, पहले गाँव के अंदर शादियाँ होती थी तो घर परिवार के बर्तन इकट्ठे करते थे, खाट तक इकट्ठी करते थे या नहीं करते थे? पर वही बात है कि अब थोड़ा सा आलसीपन आ गया है कि भाई ठीक है, यूज़ किया और फेंक दिया हर चीज़ें। हाँ, पहले वाला समय भी नहीं रहा, वो वाली चीज़ है। लेकिन हम अभी गाँव के अंदर अब भी वो आत्मीयता का भाव है, प्रेम भाव है अभी भी गाँव के अंदर, तो हम गांव से ही शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये शुरुआत की। एक मैम, अभी थोड़े दिन पहले आपको यूएनओ में बुलाया गया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यूएनओ जो होता है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, अगर मैं ठीक हूँ? हाँ, बिल्कुल न्यूयॉर्क में। तो यूएनओ का आपका सफर की शुरुआत कैसे हुई, आपको कैसे बुलाया गया, वो सेम प्रक्रिया आप एक बार फिर से बताएं। देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, जिस प्रकार का जैसे मैं काम कर रही हूँ, और मेरे काम को इतना अप्रिसिएशन मिला। हाँ। कि मेरे को 14 लाख जो वुमेन सरपंच हैं उनमें से मेरे को चुना गया नॉर्थ भारत से, और यूएन के अंदर जा कर के, और अपने अपने काम को, अपने अनुभव को, कैसे मैंने काम किया उस चीज़ को मेरे को साझा करने का मौका मिला। तो इसके लिए तो देखो, मैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को, यूएनएफपीए जो है उसको, और राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को, पीएमआई को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे काम को इतना अप्रिशिएट किया। हाँ, और मेरे को चुना उस चीज़ के वहाँ तक जाने के लिए। तो मैम, ये जो आप बता रही हो 40 लाख सरपंच, ये महिला सरपंच या मेल फीमेल मिलाकर है? नहीं, महिला सरपंच 14 लाख सॉरी 14 लाख जो महिला सरपंच है, ये पूरे हिंदुस्तान की काउंट? हाँ। हो गई। अच्छा, उनमें से
आपको बुलाया गया? हाँ, नॉर्थ भारत से मैं गई थी, आंध्र प्रदेश से एक सरपंच गई थी, कुनुकु हेमा कुमारी जी। अच्छा। और त्रिपुरा से, जिसे जिला सरपंच बोलते हैं, अपने जिला प्रमुख बोलते हैं राजस्थान में, तो जो पूरे जिले पर होती हैं, वो गई थी। हम तीन महिलाएं गई थी। अच्छा, फिर उस कारण जाने का खर्चा उसका क्या था, कितने दिन आप वहाँ रुके? हम वहाँ रुके थे, मैं 1 तारीख को गई थी यहाँ से, और हम 5 तारीख को वापस आए थे, और 3 तारीख की हमारी कॉन्फ्रेंस थी। हम 2 को मॉर्निंग में न्यूयॉर्क पहुँचे थे। तो इसका जो पूरा जो खर्चा था वो भारत सरकार ने ही दिया था। अच्छा। हाँ, उन्हीं की, उन्होंने अपनी तरफ से भेजा था, तो उन्हीं का पूरा जो भी था, भारत सरकार और UNFPA का जो था, वो सारा उन्हीं का था। एक में मैंने सुना है कि UNO में आपने जो स्पीच दिया था, जो संबोधित किया था आपने, वो 3 भाषाओं में किया था, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो आप संस्कृत बोल लेते हैं आराम से? हाँ, बोल लेते हैं इतना तो। अच्छा। हाँ, पढ़े हुए आप संस्कृत या? हाँ, संस्कृत 10th class तक तो होती ही थी हमारे पास में। अच्छा। संस्कृत हाँ पढ़ी हुई हूँ। एक मैम, आपने वहाँ पर जो ड्रेस पहन रखी थी ना, वो भी अगर देखा जाए भाई, एज एन इंडियन अगर मैं बात करूँ तो प्राउड की बात है कि आपने यहाँ के कल्चर को फॉलो किया। लेकिन होता क्या है कि बेसिकली कोई बंदा जब फॉरेन कंट्री में जाता है तो वो ये सोचता है कि भाई वहाँ की मैं ड्रेस को धारण करूँ, लेकिन आपने वहाँ पर उसी कल्चर को बनाए रखा, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, इसके पीछे कारण ये था कि मेरा भारत मान सबसे अच्छा है, मेरा भारत देश है, और चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, आप अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से दूर तो जा नहीं सकते। और विश्व का सबसे बड़ा मंच था वो, न्यूयॉर्क में जो UN में है, वो विश्व का सबसे बड़ा मंच है, और वहाँ आप अपने भारत की एक महिला सरपंच अगर जा रही है और वहाँ अपने विचारों को बताने के लिए जा रही है, अपने अनुभव बताने के लिए जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने भारतीय परिधान के अंदर ही वहाँ पर जाएंगे। अपने भारत को जब रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और फिर मैं राजस्थान से गई थी, तो इसलिए मैं वहाँ पर जो यहाँ का ट्रेडिशनल है वही पहन के गई थी। और KBC में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे भी मैंने जो अपने राजस्थान का ट्रेडिशनल पहना था, क्योंकि जो मेरे भारत की जो जनता जो वहाँ देख रही है मुझे, तो उनको भी बहुत प्राउड फील होता है, और मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ जब मैं UN के अंदर जब मैं घुस रही अंदर जा रही थी UN में, तो बाहर जो सिक्योरिटी जो पुलिस थी, जैसे ही मैंने एंट्री की तो उन्होंने मेरे परिधान से मुझे ये पहचाना कि ये, और एक सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे साथ इंडियन एम्बेसी से PMI से भी जो के जो ऑफिसर्स थे वो थे साथ में, तो उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देख के ऐसे बोला कि सी इज हेमा मालिनी, उनसे पूछा कि सी इज हेमा मालिनी। अच्छा। बट उन्होंने बोला कि नो, सी इज नॉट हेमा मालिनी, बट सी लुक्स लाइक हेमा मालिनी। वो परिधान, तो उन्होंने, वो इतना एक्साइटेड हो गया था ना, कि उसने मतलब इस तरीके से बताया कि मुझे मतलब आई लव बॉलीवुड सिनेमा, और मैंने हेमा मालिनी की मैंने मूवीज़ देखी हैं छोटी, तो मतलब वहाँ उस चीज़ को देख के ये लगा कि वास्तव में भारत को विदेशों के अंदर भी कितना उस नज़र से देखा जाता है, और तो बड़ा गर्व महसूस हुआ मुझे इस बात का। इसीलिए मैंने जो अपनी बात वहाँ पे रखी वो मैंने हिंदी में ही रखी। अच्छा। संस्कृत के श्लोक के साथ अपने भारत देश का मैंने परिचय दिया, और इस प्रकार से अपनी बात को वहाँ पे रखा। मैं चाहूँगा जो श्लोक आपने वहाँ पर बोला था वो आप यहाँ एक बार अगर बोल के बता सकें तो। मैंने श्लोक बोला था, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि उत्तर के दक्षिण में, नहीं, हिमालय के दक्षिण में, और एक सेकंड क्या था इसका, कट करना इसको, कर देंगे इसको, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो देश है वो भारत है, और उसकी जो संतानें हैं उनको भारती कहते हैं, इसका ये अर्थ था। अच्छा। इससे मैंने अपने उसकी शुरुआत की थी। जबरदस्त मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल जो सरपंच, विधानसभा का इलेक्शन लड़ना आसान है, लोकसभा का लड़ना आसान है, लेकिन जब सरपंच का जिक्र आता है ना, तो इसमें ये होता है कि पड़ोस पड़ोस में नाराज़गियाँ हो जाती हैं, लड़ाई भी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। और एक आजकल ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल चल रहा है कि भाई सरपंच का चुनाव है, दारू बंटवा दो, ठीक है, पैसे दे के वोट खरीद लो। आप इस चीज़ को कहाँ तक मानते हैं, क्या ये चीज़ सही है? जाहिर सी बात है गलत तो है ही, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा पनप रही है और लोग वोट भी दे रहे हैं इसके बिहाफ पे, तो उस बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, यही तो चीज़ सबसे बुरी है भारतीय लोकतंत्र की, आपको मैं बताऊँ, जैसा जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोग पता नहीं क्या सोच करके कैसे वोट दे देते हैं, या मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने जब सरपंच का चुनाव लड़ने, तो लोगों को, मुझे ये बताने के लिए बड़ा लोगों को
मतलब समझाना पड़ा इस चीज़ के लिए कि भाई आप, मतलब लोगों के मन में ये था कि पढ़े लिखे लोगों की को क्या जरूरत है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप वास्तव में बदलाव लाना चाहते हो ना तो पढ़े लिखे लोगों को अब राजनीति के अंदर आना होगा उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा भाई कि दारू पी के बांट के या पैसे बांट के, तो ये तो बहुत गलत है। फिर आप उस चीज़ का इफेक्ट, आप ये सोचिए अगर एक सरपंच है, एक सरपंच के चुनाव से लेके देखिए, अगर वो इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा या चुनाव जीतने के लिए इतना, तो बाद में जब सरपंच अगर वो जब बन जाएगा तो उसके बाद वो काम कैसे करेगा ये बताइए। तो फिर वो यही सोचेगा ना कि भाई मैं सरपंच बनाऊँ, मैंने ठीक है इतना पैसा मैंने खर्च कर दिया, चुनाव में मैंने लगा दिया, तो ये पैसे मैं कमाऊँगा कहाँ। तो जनता को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो इतना पैसा लगा रहा है तो वो पैसे बाद में आपके जो विकास के जो भी काम आएंगे या जो भी है, तो वहीं से तो वो पैसे कमाएगा फिर। तो ये चीज़ बहुत बुरी है, राजनीति के अंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन वही बात है ना, मैं कहती हूँ ना, चीज़ें को बहुत समय लगता है बदलने में, धीरे धीरे लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ें जो है वो ख़त्म होनी चाहिए अब। और सरपंच का चुनाव तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, MLA का MP का चुनाव फिर भी आसान हो जाता है, सरपंच का तो बहुत ही टफ होता है। लोग खून दे देंगे आपको लेकिन वोट नहीं देंगे, ये वाली चीज़ है गांव के अंदर बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आपकी के परिवार की लड़ाई कभी साथ, मतलब कोई 2-3 पीढ़ी पहले किसी के साथ लड़ाई हो तो वो लड़ाई भी याद रखते हैं लोग, और उस टाइम पर लेके आते हैं कि हाँ इसके दादा ने या इसके परदादा ने ये चीज़ की थी तो मैं अब इसको वोट नहीं दूंगा। मतलब ऐसी ये सब चीज़ें भी होती हैं, लोगों के पर्सनल जो आपसी जो व्यक्तिगत निजी जो हित है वो भी इसमें करते हैं, प्रभाव डालते हैं इस चीज़ के अंदर। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो ये कहती हूँ बहुत टफ चुनाव होता है सरपंच का चुनाव। एक मैं आज जहाँ पर बैठा हुआ हूँ इसके, मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा राइट में एक बार दिखाए, यहाँ पर कुछ आदित्य फाउंडेशन करके लिखा हुआ है। तो ये आदित्य फाउंडेशन के पीछे क्या कारण है, कौन सा फाउंडेशन है, क्या काम करते हैं? देखिए आदित्य फाउंडेशन है, ये हमारा NGO है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है और एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए जो काम करता है। इस NGO के माध्यम से हमने एक मुहिम भी चलाई थी, मेरा पेड़ मेरा दोस्त, जिसके अंतर्गत हमने जो आज पूरे बुहाना ब्लॉक के जो गवर्नमेंट जो सरकारी विद्यालय हैं उनके अंदर हमने 21,000 पेड़ वितरित किए थे बच्चों को, और उनको संरक्षण की जिम्मेदारी भी उन बच्चों को ही हमने दी थी। तो पर्यावरण के क्षेत्र में हमारा आदित्य फाउंडेशन है वो काम करता है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, पेड़ पौधे लगाने, हाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए भी काम करता है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करता है हमारा फाउंडेशन। महिलाओं को जैसे सिलाई वगैरह हो गई या कोई ये ब्यूटिशियन का जो कोर्स वगैरह कुछ ऐसे हो गए तो ये सब सिखाने का भी काम करता है इसकी तरफ से हम लोग। एक मैं साथ साथ में देख पा रहा हूँ मेरे सामने वाली दीवार पर बहुत सारे अवार्ड्स रखे हैं, ये मैं बाद में वीडियो में इसको ऐड करूँगा। ये अवार्ड्स आपको किस किस क्षेत्र में किस किस काम के लिए मिलेंगे? देखिए ये अवार्ड मेरे को एक तो मेरे को शिक्षा श्री मिला था जो राजस्थान सरकार ने दिया था मेरे को, और एक मेरे को शिक्षा श्री किस क्षेत्र में, शिक्षा श्री का अवार्ड मेरे को मिला था जो हमारे स्कूल है पंचायत में, उसके अंदर जैसे मैंने अभी एक प्ले स्कूल मैंने तैयार करवाया है, दूसरा पंचायत के अंदर कोई भी बच्ची है वो ड्रॉप आउट ना हो और उनकी एजुकेशन को लेकर के जिस प्रकार से जो काम किए, उनको कंप्यूटर रूम एक हमने तैयार करवाया था उसमें स्कूल के अंदर, तो उसको लेकर के मेरे को शिक्षा श्री का सम्मान से भी मेरे को नवाजा गया था। तो वो है इसमें एक वो फ़ोटो ऊपर आप देख रहे हो वो मेरे को कौन बनेगा करोड़पति में मेरे उनकी तरफ से गिफ्ट में मिली थी मुझे। अच्छा, स्केच बनाया गया? हाँ, ये स्केच ये शायद एशियन पेंट ने दिया था। अच्छा। बना के तो वहाँ पर ये मेरे को मिला था, और उसके साथ में एक नारी गौरव सम्मान भी रखा हुआ है, वो मेरे को दिल्ली में एक सुधांशु जी महाराज का है, वो एक प्रोग्राम रखते हैं उसके अंदर उन्होंने इन्वाइट किया था तो वहाँ वो मेरे को मिला था। एक इंडिया टूडे ने एक 10 महिलाओं को सम्मानित किया था जिसमें राज्यपाल जी ने सम्मानित किया था हम लोगों को, अलग अलग क्षेत्र में जो 10 महिलाएं किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, तो उसमें मेरे को एक अवार्ड वो मिला था वहाँ पे। और एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है, ये ये पुणे के अंदर विद्या भारती एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे मेरी पंचायत विजिट करने आए थे तब वो लोग लेके आए थे। अच्छा, हाँ भी खबर चली बिल्कुल। अच्छा एक अवार्ड है ये SLDP जो है
उसका एक प्रोग्राम हुआ था MIT यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे को इनवाइट किया गया था, तो वो मिला था। ऊपर आप देख रहे हो एक 13वीं भारतीय छात्र संसद, ये एक MIT यूनिवर्सिटी पुणे के अंदर वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है, जिसके अंदर वो उनका प्रोग्राम चलता है 3 दिन हर। अच्छा। मतलब ये 13वीं भारतीय छात्र संसद है, इसमें बहुत सारे वो नेताओं को उनको बुलाते हैं। तो उन्होंने पूरे भारत से 4 आदर्श युवा सरपंच बुलाए थे, जिसमें एक मुझे भी बुलाया गया था, उसका है वो वाला सम्मान वो रखा हुआ है। और एक ये ग्लोबल अवार्ड है, एक ये जो शिल्पा शेट्टी ने दिया है अभी 2024 का मुंबई में। हाँ, शिल्पा शेट्टी ने। और ये कब KBC में गए थे? नहीं, KBC में नहीं, ये अभी का है 2024 का। अच्छा। KBC में 2023 में गई थी मैं। तो ये वाला है, तो ये अवार्ड वो वाला है। और काफी सारे जो ऊपर अशोक स्तंभ वाला रखा है वो बिल्कुल टॉप पर, वो अवार्ड भी मेरे को मिला था। किस चीज़ का मिला था? अवार्ड इतने सारे हो गए, सच्चाई ये कि याद भी नहीं रहते, इतने सारे अवार्ड हो चुके हैं। वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। हाँ, किस नाम से सुदेश क्या लिख रखा है? हाँ, ये एक हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे को बुलाया गया था, तो वहाँ ये वाला अवार्ड दिया था उन लोगों ने। अच्छा, ये जो हॉकी की जो स्टिक है इनका, जो लोगो लगा हुआ, ये भी दिया गया था? नहीं, ये तो हमारे ऑफिस का ही है। अच्छा। लगवाया हुआ ये। और काफ़ी सारे अवार्ड हैं अलग अलग जगह के। तो दोस्तों, आपने बातचीत सुनी, ने हॉकी वाली सरपंच मैम नीरू यादव से बातचीत की हमने, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातचीत जो है अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं इस वार्तालाप को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। और मैम, आखिरी अगर आप कोई संदेश देना चाहें जनता को, गांव की जो जनता है उनको, या सरपंच पद के लिए जो लोग खड़े होते हैं उनको, अगर कोई आपका एक छोटा सा मैसेज हो। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी पंचायत के जो 3 गाँव हैं, सहेड, कानसिंहपुरा, लांबीहर, 3 गाँव मेरी पंचायत में आते हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया और मेरे को अपने गांव के सरपंच के तौर पर चुना, तो मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। आज मुझे अगर विश्व के सबसे बड़े मंच पर बोलने का मौका मिला है, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ और उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं जितनी भी महिलाएँ हैं या जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनको ये कहना चाहती हूँ कि देखो, हम महिलाओं को, हम बच्चियों को ज़िंदगी में मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, शायद हम पैदा होते हैं तब से हमारे सामने शुरू हो जाती हैं, लेकिन मौके बहुत कम मिलते हैं हम लोगों को। और हमें जब भी मौका मिले, तो मेरा यही कहना है कि उन मौक़ों का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उन मौक़ों को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अगर आपके अंदर हुनर है, तो अपने हुनर को पहचानिए, बाहर आइए, स्वावलंबी बनिए, आगे बढ़िए। और लोग तो ऐसे मतलब बोलते रहते हैं कि भाई तुम लड़कियाँ हो क्या कर लोगी, महिलाओं हो। कोई भी महिला जब भी आगे बढ़ती है या बाहर निकलती है, तो उसके पैर खींचने वाले बहुत मिलते हैं, और लोगों का काम है सिर्फ कहने का। जब आप अपनी मंजिल को पालोगे या आगे निकल जाओगे आप, तो वही लोग जो हैं वो आपकी तारीफें करेंगे। तो लोग क्या कहते हैं, उस बात पर ध्यान नहीं देना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है और विश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस बातचीत को, इस वार्तालाप को यहाँ पर बंद करना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।